वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है स्पेशल क्योंकि है मदर्स डे। अच्छा, मम्मी तो 12 महीने अपने लिए अच्छा अच्छा पकाते हैं, हमें खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पर कभी कभार मम्मी को भी तो सरप्राइज देना चाहिए ना। कि मम्मी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल हम लोग ने बनाए, तो आज हम लोग मदर्स डे पे मम्मी के लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं। राइट, क्या बना रहे? सिजलर्स खाना तो रोज ही बनाते है, गोश्त का सालन है, तरकारी है, मच्छी है, दाल है, सब तो बनता ही है। तो कुछ हटके मम्मी के लिए बनाते हैं जो मम्मी अपने लिए बकरीद में बनाते हैं। यस राइट राइट। तो इसके लिए हम लोग आज बना रहे हैं मटन सिजलर। जी हाँ, इसको मलाई बूटी सिजलर भी बोलते हैं, काली मिरी बोटी सिजलर भी बोलते हैं, यानी बेसिकली है मटन सिजलर। अच्छा ठीक है। अभी मम्मी गए हैं बाहर, हाँ। तो मम्मी के आने से पहले हम लोग को ये रेडी कर देना, उनको सरप्राइज देना है। यस, सो लेट्स स्टार्ट अ मूव। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह चलो। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि ये मम्मी के लिए सरप्राइज है। मम्मी रिटर्न आ जाए उससे पहले बन जाना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह बन जाए। ठीक है। ओके, तो मटन सिजलर बनाने के लिए या नवाबी बोटी सिजलर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये है। सबसे पहले आधा किलो मटन। ओके, आप बोनलेस भी ले सकते हो और विद बोन भी। अच्छा, हम लोग के घर में मम्मी विद बोन प्रिफर करते हैं, उनको अच्छा लगता है, जिसके लिए विद बोन लिया। ओके ठीक है। फिर ये कैबेज के थोड़े पत्ते निकाल के रख दिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर ये ताकि सिजलर प्लेट अपनी जले ना, ऊपर जो सामान रखेंगे, अगर ये ना हो तो आप ऑनियंस भी रख सकते हो इसके जगह पे। ठीक है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। हम लोग को पानी चाहिए थोड़ा। फिर हम लोग को ऑरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, मेयोनीज, अमूल क्रीम, फ्रेश क्रीम, अमूल नहीं हो तो और कोई कंपनी की फ्रेश क्रीम चलेगी। ओके ठीक है। चेरी टमेटोज भी ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा। चार ठीकी वाली मिर्ची, उसको डिश में से कट मारे और इसको अप डाउन कर सकते हो एज पर योर टेस्ट। ओके ठीक है। फिर है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून और 3 टाइप की शिमला मिर्ची। ओके, यानी येल्लो, रेड और ग्रीन। इसको दोनों को बेल पेपर्स भी बोलते हैं, येल्लो और रेड को। पर ये अपनी देसी लैंग्वेज में तीनों शिमला मिर्ची है, लाल, पीली, हरी। ठीक है। और अगर येलो और रेड और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो नो वरीज, ग्रीन विल आल्सो डू। ये डेकोरेशन में लेके ज्यादा अच्छा। हाँ, ये थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगता अच्छा है लगता। पर टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा अगर येलो रेड नहीं है तो। ओके ठीक है। फिर हम लोग को चाहिए अदरक लहसुन का मसाला। थोड़ा सा चाहिए अदरक और लहसुन, यानी 4-5 कली लहसुन और 1 इंच का अदरक। अच्छा। ये थोड़ा सा हम लोग ने ग्रेट कर लिया, जूलियन टाइप्स या जूलियन साइज को ग्रेट कर लिया। ठीक है। कोई भी कंपनी का 1 चिकन क्यूब चाहिए। अच्छा। ओके, और चीज चाहिए। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए वो है सिजलर प्लेट। ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल लगेगा। ओके, दैट्स इट। इतनी इंग्रेडिएंट्स में इंशाल्लाह बन जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करें। ओके ठीक है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम लोग मटन डाल देंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह। विदाउट ऑयल? यस यस, खाली इसको बॉइल करने का मुँह। अच्छा ठीक है। तो ये गया गोश्त का। फिर नेक्स्ट हम लोग को चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है। बस इसको थोड़ा सा बस मिलाना है, क्योंकि इसमें तेल वेल तो है नहीं, कुछ चलाना है, हल्का सा अपना रंग चेंज करेगा। अच्छा। तो बाकी की इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अपने को विसल खिला लेना है, यानी बस गोश्त को गला, बस खाली गोश्त को गला लेना है। अच्छा ठीक है। कितना गलाना है? ये गल जाएगा, मेरे पूरा ही गला लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है। यानी ऐसा पर है ना, इतना ज्यादा नहीं गलाने का है कि बोटी एकदम से गल के एकदम, यानी हाथ में नहीं, बोटी ऐसा होल दिखना चाहिए। अच्छा, टिक्के। हाँ यस यस, टिक्के जैसे। हाँ,
ये चार मिर्ची भी डाल दी है और ये मैगी क्यूब है। मैगी क्यूब को जरा तोड़ के डालेंगे आप, क्योंकि एक तरफ नहीं तो रह जाता है। अच्छा, क्योंकि नमकीन होता है। यस, और नमक उसके हिसाब से ही डालेंगे ना। यस, इसको पूरा हम लोग बाद में सुखाएंगे ना, इसके लिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे तो चलेगा। अच्छा, और काली मिर्च पाउडर। ओके, बस इतनी ही चीजें चाहिए। ठीक है, और बस इसको थोड़ा सा फिरा के हम लोग इसमें पानी डाल देंगे आधा गिलास। क्योंकि ये है ना, ये गोश्त अपना भी जूसेस रिलीज तो करता ही है, तो ज्यादा डालना नहीं है, क्योंकि ये पानी अपने को वापस पूरा ड्राई करना है। ठीक है, अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा सा ही पानी डालना है। अच्छा, हाफ ग्लास इतना। ये आधा ग्लास पानी डाल दिया। अब इसको विसल खिला लेंगे। अच्छा, ठीक है, कम से कम 3 विसल खिला लेंगे फास्ट पे। अच्छा, फास्ट पे खिला लेंगे, क्योंकि जब पानी ड्राई, हाँ, गल जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब अपन ड्राई करेंगे ना, तभी भी थोड़ा बहुत अगर कच्चा होगा तो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो खाली इसको भी अपन ड्राई कर लेते। मम्मी हमेशा बकरी ईद में यही बनाते हैं ना। वही मुझे उसकी याद। हाँ, रोटी सिजलर काली मिर्च वाला भेजा। काली मिर्च भेजा ऐसा टाइप। ठीक है, ओके, तो अभी इसको पहले अपन भी गला लेते। ठीक है, अभी मैं इसको विसल लगा लेती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह 3 विसल के बाद। ओके, अभी 3 विसल के बाद कुकर का प्रेशर पूरा चला गया है। अभी देखो, मटन ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। अभी ये पानी में पूरा सुखाऊंगी, यानी पूरा ड्राई कर लूंगी। इसको कम से कम 5-10 मिनट लगेगी। ये इतना कम पानी डालने के बाद भी इतना उसका ये अपना रिलीज हो गया ना, ये बटन का पानी। अच्छा, ठीक है, तो इसको कम से कम 5-8 मिनट लगेगी। अच्छा, ठीक है, अपने वो कर लिए चेक के, गल गया। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट गल गया, ऑलमोस्ट गल गया। ये देखो, ये बालू पड़ी जाता है, देखो ये नंदी है ना, ये छूट गई है, देखे रंगत चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये है ना, कम से कम 5-8 मिनट लगेगी। हाँ, तो ये मिलते हैं इंशाल्लाह ड्राई होने के बाद। अच्छा, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं बताती हूँ कैसा दिखेगा। ओके, यानी पानी पूरा सुखा देना। पूरा एकदम पैन ड्राई। ओके ओके, देखिए 5-10 मिनट के बाद ये पानी पूरा ड्राई हो गया। देख रही अम्मू, ये पूरा उसका मसाला इसको लग गया। तो बस यही स्टेज पे अपने को अभी गैस की फ्लेम को बंद कर देना। देखिए तूने, यस, यही स्टेज पे चलिए। ठीक है, okay. अभी इसको हम लोग ठंडा कर देंगे। ठंडा कर देंगे, जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना। ओके, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे ये मटन आ जाता है, उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अभी ये मटन अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अभी इसके अंदर हमको मिलाना है कॉर्नफ्लावर। अच्छा, ठंडा होने के बाद। यस, देख, जैसे ये 1 चम्मच, ये 2 और 3। अच्छा, ठीक है, अभी इसके हिसाब से ही थोड़ा सा नमक हम लोग डालेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डाले ना। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा, एकदम स्लाइट। तो ये कॉर्नफ्लावर गोश्त के हिसाब से कितना होगा? ये 3 टेबलस्पून है अपने लगभग। अच्छा, ठीक है, यानी है ना, ये बोटी पे कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि अपन कैसे चिकन के अंदर चिकन चिल्ली बनाते हैं, तभी अपन बोटी के ऊपर ये लगा के फ्राई करते हैं। हाँ, सिमिलरली इसको भी अपने को फ्राई करने का अभी। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग इसका ये कोट लगा रहे कि ये मसाले में ये लग जाए पूरा। देखो, अभी इस तरीके से पूरी मटन के पीसेस के ऊपर कॉर्नफ्लावर अच्छे से लग गए। ठीक है, अभी अम्मू प्लीज फ्राई फॉर मी। ओके, इसको डीप फ्राई करना है ना? यस, डीप फ्राई। ओके, ठीक है, ओके, तू डीप फ्राई करके मेरे को बुला ले। ठीक है, ओके। जो एक्स्ट्रा है। अच्छा, और अभी 1-2 चम्मच तेल रखे। ठीक है, अभी उसके अंदर ये सब जो बेल पेपर्स है ना, इसको थोड़ा सा हमको चला लेना। ठीक है, खाली टॉस जो बोलते हैं ना, बस वैसे ही। ज्यादा पकाना नहीं है, खाली टॉस। सारी सारी डाल देंगे, ग्रीन, रेड और येलो। ओके, हाई फ्लेम के ऊपर बस थोड़ा सा इस पर से चला लेंगे।
कि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए बस यही उसका रीजन है कि थोड़ा ऑयली टच आ जाता है वेजिटेबल्स में। नहीं तो फिर वो एकदम क्या होता है, एकदम बॉइल्ड टाइप लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा ये फ्राई टाइप कंटेंट आ जाता है, सैलेड लगेगा वो। ठीक है, ओके, ये बस ये करना है और ये एंड में ये चेरी टमाटोस। ओके, माशाल्लाह। अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, मिलते हैं निकालने के बाद। अब ये हो चुका है, अभी इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल अम्मू? यस, वेरी मच। इसमें आप ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हो, पर अभी हमने पास अवेलेबल नहीं थी घर में, वरना ब्रोकोली भी अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, फ्रेंच फ्राइज भी डाल सकते हैं सिज़लर के अंदर, एज पर योर विश यू कैन ऐड ऑन। ओके, ये सिज़लर सॉस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये सब मिर्ची निकाल लेने के बाद यानी बेल पेपर्स, उसके बाद यही तेल के अंदर हम लोग सबसे पहले वो जो अदरक और लहसुन जो हम लोग ने जूलियंस बना के रखे थे, ये वो डाल देंगे पहले, इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। यस, थोड़ा सा इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है इसके लिए, ठीक है। जूलियंस करने से क्या है ना, एकदम मुंह में नहीं आएगा और फ्लेवर इसका अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा कॉन्टिनेंटल फूड के हिसाब से, ठीक है। ओके, ये देखो, अगर आपके पास जूलियंस नहीं करना और अगर चॉप कर लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बारीक चॉप करना है, मुंह में ना आए। हाँ, बस बस इसकी जब खुशबू आ जाएगी फाइनली ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर हम लोग को फ्लेम को आस्ते करने के बाद उसमें हम लोग क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, हाई फ्लेम पर क्रीम ऐड नहीं करना है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रीम फट जाए। अच्छा, ठीक है, तो जैसे ही ये इमीडिएट ब्राउन होने लगा अभी देखो, तो अभी हम लोग इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे। अच्छा, तो फिर हम लोग नेक्स्ट अभी इसके अंदर क्रीम डालेंगे। ओके, ये एक पैकेट अमूल क्रीम है, पूरा डालना है। यस, yes. पहले हम लोग देखते कितना है फिर। ओके, स्लो फ्लेम पे है ये, ठीक है, स्लो पे पकाना है ना, स्लो पे थोड़ा भून लेना है। हाँ भाई, बस क्या ये सब तो क्या रेडीमेड चीज है, इसको इतना ज्यादा भूनने की भी जरूरत नहीं अपने को, ठीक है, बस खाली सॉस पे। yes, yes. तो हम लोग इसमें ये पूरा क्रीम डाल देंगे। पूरा लगेगा? यस यस लगेगा, एक पैकेट समझ लो अपने को चाहिए। हाँ, ये छोटा छोटा वाला जो 75-80 रुपीस का कुछ आता है। या। तो ये बन रहा है हमारा सिज़लर का सॉस, अभी फ्लेम को हाई कर सकते हैं क्योंकि दाल के हो चुका है हमारा, अभी बस इसको थोड़ा सा पकाना है ना। बस थोड़ा देर ना, खाली बस थोड़ा टाइम। अभी नेक्स्ट हम लोग डालेंगे, जब तक इसको बॉईल आ रहा है तो साथ में हम लोग इसमें थोड़ा मेयोनीज भी डाल देंगे एज पर योर चॉइस। मेयोनीज अपने घर में इतना कोई इतना नहीं खाता है, तो हम लोग इसके लिए एक कप नहीं डालेंगे, 2-3 स्पून जितना ही डालेंगे। पसंद नहीं करते कोई भी इतना, मम्मी भी बेसिकली नहीं करते इतना। अगर समझो घर के अंदर मेयोनीज नहीं है तो एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि अपन व्हाइट सॉस घर में कैसा बनाते हैं, तेल के अंदर पहले अदरक लहसुन डालो, फिर मैदा डाल दो, फिर मैदा डाल देने के बाद उसके अंदर दूध डाल दो, काली मिर्ची ओरेगैनो और बाकी सब चीजें जो डालते हैं, वैसा भी ये सॉस बन सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अगर मेयोनीज नहीं हो तो नहीं बनेगा, जैसा बन जाएगा, मैदा दूध खाली घर में चाहिए, रशियन कबाब में जो बना जैसा जैसा राइट। अच्छा, अभी इसको फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम लोग इसके अंदर डाल देंगे नमक, फिर डालेंगे चिली फ्लेक्स, अकॉर्डिंग एज पर योर चॉइस, फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और डालेंगे ओरेगैनो, ठीक है। ओके, ओरेगैनो, और फाइनली लास्ट में हम लोग डालेंगे चीज, हर एक का फेवरेट चीज। यस, हम लोग इसमें डाल देंगे चीज, देखो ये स्टेज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को ये लम्स नहीं चाहिए चीज के, चीज अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए, तो यानी स्लो फ्लेम पे रख के उसको पहले अच्छे से मेल्ट होना है। ठीक है, अब ये इसको लगेंगी 2-3 मिनट के अंदर ये चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी।
अच्छा, फिर दो तीन मिनट पकाना। ये है ना चेडर चीज है। अच्छा ओके, तुम मोज़रेला भी ले सकते हो। ओके ओके, ये देखो, देख रही कंसिस्टेंसी इसकी। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब ये जब तक ये थोड़ा होगा, इसके बाद थोड़ा और पानी डाल के इसको चीज को मैं अच्छे से जरा पकाने रखती हूँ। और नेक्स्ट फ्लेम के ऊपर, यानी मैं दूसरे वाले चूल्हे के ऊपर सिजलर को गर्म करने रख देती हूँ, क्योंकि सिजलर प्लेट हॉट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद फौरन इसके अंदर हम लोग मटन डाल देंगे और उसमें सब जो बेल पेपर्स है वो डाल देंगे और सर्व करेंगे। ओके ठीक है। अभी ये सीजनल प्लेट को हम लोग ने गर्म करने के लिए रख दी है। अच्छा, इट शुड बी वेरी हॉट। अच्छा ठीक है। Okay. कम से कम 5-10 मिनट हाई फ्लेम पे उसको गर्म करना है। okay. क्योंकि वो गर्म हो गया तो ही इसके अंदर से स्टीम निकलेगी, तो ही मजा आएगा सीजनल का। ओके okay. ओके okay? और ये तब तक ये चीज डालने के बाद ये पक रहा है। देखो ये कंसिस्टेंसी हो गई है सॉस की। अभी हम लोग इसमें ये सब डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये गोश्त, ठीक है, इसे मिला लेंगे। और ये डाल देंगे ये जो हम लोग ने वेजीज जो थोड़े थे। अच्छा। थोड़े रख लेंगे डेकोरेशन के लिए। अच्छा ओके राइट, बस हियर वी गो। अभी हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे। okay. क्योंकि ये ऑलरेडी देखो हो चुका है सब अच्छे से। हाँ। अब इसको सर्व करना है। अच्छा, अभी सिज़लर में जा रहे हैं। यस यस, अब ये सर्व, साइड का साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको पकाना पकाना कुछ भी कुछ नहीं भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, वो भी स्टर फ्राई था, वेजिटेबल्स भी, गोश्त भी तला हुआ है और सॉस भी रेडी है, तो बस इट्स डन। ओके ओके, चलो अभी हॉट प्लेट को हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बहुत हॉट रहती है। अभी अपनी ग्रेवी जले नहीं, इसके लिए अपन इसको ये सब बिछा देंगे ऐसा थोड़ा। ठीक है, बस ये ग्रेवी जले नहीं इसके लिए ये। अच्छा, बस अभी हॉट प्लेट के ऊपर हम लोग ये सर्व करेंगे। उसे कैबेज का पत्ते इसीलिए डाले हम लोग ने कि एकदम जल ना जाए। ठीक है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, नो इशू। और थोड़ा सा हॉट होती है ना। राइट ठीक है। और ये जो वेजीज थोड़ी है वो डाल देंगे। ओके, और चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसके लिए इसको रख दे, डेकोरेट कर लिया है। वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। ठीक है, here we go। चलो मम्मी को देंगे सरप्राइज। अभी मम्मी बैठ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे। यस, और मम्मी के लिए सरप्राइज। मम्मी सिज़लर जब तुम बकरीद में हमारे लिए बनाते हो, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई तुम्हारे लिए। मम्मी अभी ट्राई करके बताओ कैसी बनी है। फिर शुड आई सर्व यू? बिस्मिल्लाह करो मम्मी। मम्मी तो वेजी अच्छे से खाते हैं। और मम्मी हैप्पी मदर्स डे मेरी माँ। हॉट होएगा सामान। हम लोग का दिल रखने के लिए बोल रहे हो कि सही में अच्छा है। सही में अच्छा है। अच्छा है, वेरी नाइस। अच्छा है, तुम्हारे जैसा बना है, कितना फर्क है। अच्छा बना, अच्छा बना है। ओके मम्मी, एक और एक सरप्राइज है। हम लोग तीनों भाई बहन के तरफ से तुम्हारे लिए, उस दिन हम लोग गए थे ना, ड्रेस लिए भी और सिलाने भी दे दिए थे। अच्छा लगा तुमको? बहुत अच्छा है। तुम मदद दे, हम लोग की सबके तरफ से। इस
तरीके से हम लोग ने मदर्स डे एंजॉय किया। मम्मी कैमरे में देखो, आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। इस तरीके से हम लोग ने हमारी मम्मी को खुश किए, सरप्राइज दिए, एंजॉय किए। हम लोग ने मदर्स डे मनाए, आप भी मनाए अपने पेरेंट्स के लिए। और अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैप्पी मदर्स डे, लव यू।